गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोनिका मलिक आज आपको सरसों का साग बनाना सिखाऊंगी। चलिए मेरी किचन में चलते हैं। किचन में जाने से पहले हम अपने किचन गार्डन में चलते हैं। ये हमारा किचन गार्डन है, इसमें हमने ये पालक उगाया हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा और ताज़ा फ्रेश पालक है। इसको हम सरसों के साग में यूज़ करेंगे। ये मेथी उगाई हुई है, मेथी भी कितना अच्छा ग्रो हुआ है, इसे भी हम सरसों के साग में यूज़ करेंगे। ये सरसों है, सरसों के पीले पीले फूल जो है मन को मोह लेते हैं। यहीं से फ्रेश सरसों लेके हम सरसों का साग बनाएंगे। ये हरा धनिया है, हरे धनिया का भी यूज़ हम सरसों के साग में करेंगे। ये बीच बीच में बथुआ लगा हुआ है, ये हमने अपने किचन गार्डन से बथुआ लिया है। ये देखिए इस टाइप के लीव्स होते हैं बथुए के। ये पालक है, पालक को हमने कट कर लिया किचन गार्डन से और हमने इसको धोकर वॉश कर लिया। सरसों अगर 1 kg हो तो उसमें 250 ग्राम पालक और 250 ग्राम बथुआ और 1 कटोरी मेथी यूज़ करेंगे। ये मेथी को भी हमने धोकर कट कर लिया है। पालक को, सरसों को और बथुए को भी हमने कट कर लिया है। अब हम गैस पर कुकर रखेंगे। कुकर जो हमें 5 लीटर का लिया है, बड़े वाला बर्तन जो भी यूज़ कर रहे हो आप, उसको थोड़ा बड़ा ही लेना साग के लिए। ये जो हमने सरसों, पालक और बथुआ कट किया है उसको हम इसमें डाल देंगे। अब हम कुकर की सीटी बंद कर देंगे और सिर्फ इसमें हम एक ही विसल लगाएंगे। ये हमारी फर्स्ट विसल आ चुकी है। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो हम मिक्सी के जार में इसको डालेंगे। और इसको दरदरा पीसना है, जैसे साग जो गांव में बनाते हैं चूल्हे पे हांडी में रखकर, वो बिल्कुल दरदरा दरदरा सा होता है, उसी टाइप से हमें पीसना है। ये हमने साग को दरदरा पीस लिया है। ये देखिए इस टाइप से साग को पीसना है। इससे बारीक हमें इसको नहीं करना, चटनी नहीं बनानी है, नहीं तो साग जो है स्वाद नहीं लगेगा खाने में। हमें ऐसा मोटा मोटा सा पीसना है। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे और इसमें फ्रेश फ्रेश देसी घी डालेंगे। ये देसी घी भी हमने घर पर ही बनाया है मलाई से, इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो उसमें हम ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा हमें 1 स्पून लेना है। ये हमने 1 स्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को थोड़ा ब्राउन होने तक पकाएंगे और उसमें 1 कटोरी हम बारीक कटे प्याज डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो जिंजर गार्लिक फ्रेश भी बारीक बारीक कद्दूकस करके या उसको पीस कर डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे जिंजर गार्लिक को, ताकि वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए, नीचे ना लगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे ताकि प्याज और जिंजर गार्लिक पूरी तरह से ब्राउन हो जाए। 2 हरी मिर्च का हम इसमें पेस्ट डालेंगे। ये हरी मिर्ची का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। हरी मिर्ची का जो फ्लेवर है साग में, बहुत ही टेस्टी लगता है। प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, ये देखिए पूरी
थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लग गए हैं। इस टाइप से हमें इसको ब्राउन करना है ताकि ये पूरा पक जाए। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने दो लिए हैं बारीक कटे हुए, फ्रेश टमाटर हमने यूज़ किया है इसमें। आप चाहे तो पीस कर भी डाल सकते हैं क्योंकि कई बार बच्चे नहीं खाते। इसको पूरी तरह से टमाटर को हम मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। पानी डालकर हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और ऊपर से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट के बाद चेक करेंगे कि हमारे टमाटर पके हैं या नहीं। इसको टमाटर को थोड़ा थोड़ा हम मैश कर लेंगे ऐसे कड़छी से। ये देखिए इस टाइप से हम इसको दबा दबा कर मैश कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने साग को पीसा था वो हम इसमें डाल देंगे। सारा साग हम इसमें डाल देंगे और इसको पूरी तरह से कड़छी के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें प्याज टमाटर पूरी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके जैसे ही हमें लगे कि पानी कम है तो थोड़ा इसमें डालें। अब हम इसको पकने देंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 स्पून। आप अपनी टेस्ट के अनुसार इसमें ये डाल सकते हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर इसमें हम डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। पूरी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। ये देखिए कॉर्नर से भी। ये छोटी छोटी टिप्स को ध्यान रखोगे तो बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल चूल्हे जैसा स्वाद आएगा इस साग का। गैस को हमें मीडियम ही रखना है और इसे ढकना है। अब 20 मिनट तक मीडियम गैस पर हमें पकाना है। बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे। ये हमने मक्के का आटा लिया है 1 स्पून। आप चाहे तो इसमें 2 स्पून भी ले सकते हैं। मैं इसमें 1 स्पून बेसन ऐड कर रही हूँ। तो ये हमने 1 स्पून बेसन और 1 स्पून मक्के का आटा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा ये हमने पानी डाल दिया है। स्पून की हेल्प से हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे और इसको स्पून की हेल्प से पूरा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स हो चुका है पूरी तरह से। अब हम इसको साग में डालेंगे। एक बार साग को मिक्स करेंगे। कितना अच्छा कलर आया है। अब सारा जो हमने मक्की का आटे का मिक्सचर जो है इसमें डाल देना है और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम इसमें और इसको करछी की हेल्प से पूरी तरह हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे ना चिपक जाए। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। गैस को हमें मीडियम रखना है और उसको पूरी तरह से इस टाइप से हमें मिक्स करना है। ये लकड़ी की गमनी होती है, गांव में तो सबने देखा ही होगा इसे। चूल्हे पे जब साग बनाते हैं और उसको इस टाइप से गमते हैं। मुझे आज साग बनाते बनाते अपनी मम्मी की याद आ गई। वो इसी का यूज़ करती थी और घंटों साग बनाने में लगी रहती थी। पूरा दिन चला जाता था तब जाके शाम तक साग बनता था।
चूल्हे पे साग को छांटना, काटना और फिर उसको चूल्हे पे चढ़ाना। मिट्टी की आंधी में बनाती थी वो, और उसका क्या टेस्ट आता था। और वही टेस्ट आज हम गैस पर बनाएंगे। ये हमने अमचूर इसमें थोड़ा डाल दिया है, थोड़ी हींग डाली है, और ये ब्लैक पेपर है, थोड़ा सा हम ब्लैक पेपर डालेंगे। आप ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लैक सॉल्ट का भी बनने के बाद टेस्ट बहुत फ्लेवर आता है इसका। ये थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट हमने इसमें डाल दिया है। और इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे गमनी से, कॉर्नर से भी पूरी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, आप चाहे तो गैस से उतार कर भी, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो गैस से नीचे उतार कर इसको घुम सकते हैं। साग बनाते बनाते मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि अपनी धुन है अपना राग, ठंड में सबसे बढ़िया हमें तो लगता है मक्की की रोटी और सरसों का साग। पूरी तरह हम इसको चारों तरफ से पूरी तरह से हिलाकर इसको मिक्स कर लेंगे ताकि लग ना जाए। लास्ट स्टेज पर हमें तेज़ तेज़ हिलाना है, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से ये बाहर की साइड निकल कर आता है। अब हम इसे ढक देंगे और बिल्कुल स्लो गैस पर हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, और फिर हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए, पूरी तरह से बन चुका है हमारा ये सरसों का साग। ये देखिए, बिल्कुल चूल्हे वाला लग रहा है ना, हमारा चूल्हे पे जैसे तैयार होता है साग। अब हम इसको ढक देंगे और 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अमचूर डालेंगे। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग अमचूर और हींग इसमें डाल सकते हैं। इसको पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल मैंने वैसे ही बनाया है जैसे मेरी मम्मी बनाती थी चूल्हे पर, लेकिन आज मैं गैस पर ही साग बना रही हूँ और उन्हें याद कर रही हूँ। ये हमारा बन चुका है। अब हम इस पर ढक्कन लगाएंगे और इसको साइड में रख देंगे। इसके बाद हम गैस ऑन करके तड़का लगाएंगे। ये हमने 2 स्पून इसमें स्मॉल वाले देसी घी डाला है, 4 इसमें लाल मिर्ची डालनी है साबुत वाली, और इसमें थोड़ी सी हम क्या डालेंगे, लौंग डालेंगे, मोटी इलायची डालेंगे, और दालचीनी का एक टुकड़ा डालेंगे। ये दालचीनी हमने इसमें डाल दी है। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा मैजिक तड़का तैयार हो गया है। अब हम इस पे अपने सरसों के साग पर डालेंगे। ये देखिए क्या खुशबू आ रही है। आप भी प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए से, जो कि हमने बारीक बारीक कट किया है। ये हमारा सरसों का साग बनके रेडी हो चुका है। लेकिन एक जब तक इस पे मक्खन ना रखा जाए बीच में, तब तक इसकी गार्निश जो है अधूरी है। ये हमने मक्खन रख दिया है। अब हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे। ये हमने इसको आमचूर से डेकोरेट कर लिया है। ये हमारा रेडी हो चुका है सरसों का साग।
गाइस, ये देखिए सरसों का साग बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। प्लीज़ इस रेसिपी को आप ट्राई करना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। बाय।